हेलो दोस्तों, आज की नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम हेडिंग बनाएंगे, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि हमारे पास जो आवेश है वो एक बिंदु के आकार का है। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना हमारे पास कोई बिंदु है, बिंदु ओ, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर, कोई बिंदु है हमारे पास P, जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। क्लियर है? अब पुनः देखेंगे, बिंदु O से X दूरी पर कोई एक और बिंदु है, इस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु A। क्या मान लेंगे? बिंदु ए। इस बिंदु ए पर हमने परीक्षण आवेश की कल्पना की है। धन परीक्षण आवेश की क्या की है? कल्पना की है। जिस पर, यहाँ पर देखेंगे, ये भी प्लस क्यू आवेश है और ये भी धन परीक्षण आवेश है, तो इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, वो इस दिशा में होगा, यानी कि बल की दिशा इसके विपरीत होगी। अब यहाँ पर बिंदु ए के पास कोई अन्य बिंदु मान लेंगे बिंदु बी। यहाँ पर देखेंगे बिंदु ओ से बिंदु ए के बीच की दूरी कितनी है? एक्स। अगर हम इस दूरी को लेंगे तो ये होगी अल्पांश दूरी, यानी कि इसको मान लेंगे हम डी एक्स। क्लियर है? तो अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, माना हमारे पास कोई बिंदु है ओ, जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है, जहां पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। पुनः बिंदु ओ से एक्स दूरी पर कोई बिंदु ए है, जहां पर हमने परीक्षण आवेश यानी कि धन परीक्षण आवेश की कल्पना की है। बिंदु ए से अल्पांश दूरी पर कोई बिंदु बी है, अगर इसके बीच की दूरी देखें तो ये होगी, ये एक्स है, तो ये हो जाएगी अल्पांश दूरी डी एक्स। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, माना कोई बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। इस बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। पुनः बिंदु O से X दूरी पर कोई बिंदु A है। जिस पर हमने धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना की है। तब कूलाम के नियम से क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, कूलाम का नियम क्या कहता है? एफ बराबर 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू वन कितना है? क्यू है हमारा, तो लिखेंगे क्यू। इंटू क्यू टू कितना है? क्यू टू है हमारा धन परीक्षण आवेश क्यू नॉट, तो लिखेंगे क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि बीच की दूरी कितनी है? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये हो गया कूलाम के नियम से हमारा बल, जो प्लस क्यू आवेश पर इस दिशा में लग रहा है। क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं, इस धन परीक्षण आवेश को अल्पांश दूरी dx बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये परीक्षण आवेश है, इस पर ये बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, और हमको परीक्षण आवेश बिंदु A से बिंदु B तक लाना है, यानी कि विद्युत बल के विरुद्ध इस परीक्षण आवेश को ले जाना है, क्योंकि इनकी दिशाएँ विपरीत हैं। तो यहाँ पर एक चिन्ह लग जाएगा जो माइनस का होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु A से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है, परीक्षण आवेश Q नॉट को विद्युत बल के विरुद्ध बिंदु A से बिंदु B तक अल्पांश दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है? बल गुणा विस्थापन। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। और बल को F से प्रदर्शित करते हैं।
और विस्थापित कितनी दूरी हो रही है, विस्थापित हो रही है हमारी dx दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम dx, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे बल इस दिशा में कार्य कर रहा है, विस्थापन इस दिशा में कर रहे हैं हम, क्योंकि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत है तो इसके लिए हम माइनस चिन्ह लगा देंगे। और यहाँ पर देखेंगे अल्पांश दूरी विस्थापित कर रहे हैं तो अल्पांश कार्य भी करना पड़ेगा, यानी कि छोटा सा कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि छोटी सी दूरी विस्थापित कर रहे हैं, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि कूलाम के नियम से एफ का मान हमारा इतना आया था, तो एफ का मान हम यहाँ से यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, एफ का मान कितना है, 1/4πε0 q into q0 upon x square, और ये है dx, क्योंकि ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो माइनस चिन्ह भी लगा देंगे, क्लियर है। ये छोटी सी दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य है। अगर हम इस परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लेकर आए तो वहाँ पर कितना कार्य करना पड़ेगा, परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य, अब चूंकि हम परीक्षण आवेश Q नॉट को अनंत से लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पर हम समाकलन कर देंगे, यानी कि कुल कार्य निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू, यहाँ पर भी समाकलन हो जाएगा माइनस के 1/4πε0 q q0 upon x square और dx, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अनंत से, कहाँ तक ला रहे हैं, बिंदु P तक, और बिंदु P की बिंदु O से दूरी कितनी है, r, यानी कि बिंदु r दूरी तक लेकर आ रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे dx, यानी कि x के सापेक्ष समाकलन होना है, इसका मतलब ये है कि x वाले पद को हम अंदर रखेंगे, बाकी के पद को बाहर निकालेंगे, इसका समाकलन तो हो जाएगा w इक्वल टू, बाकी का सब बाहर आ जाएगा, यानी कि 1/4πε0 q q0, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1/x² dx, क्लियर है। अगर हम इसको ऊपर ले जाए तो घात कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा माइनस 1/4πε0 q q0 इनफिनिटी से r दूरी तक, इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस की, यानी कि माइनस के 2 dx हो जाएगा। अगर हम इसका समाकलन करें तो इसका समाकलन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है समाकलन का, x की घात n, इसका अगर हम समाकलन करें तो ये हो जाता है x की घात n+1/n+1। अब इसका समाकलन आगे करेंगे तो ये हो जाएगा w इक्वल टू माइनस 1/4πε0 q q0, इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात क्या होता है n+1, यानी कि माइनस के 2+1 बट्टे माइनस के 2+1, ये हो जाएगा इसका समाकलन। लिमिट कितनी है, इनफिनिटी से लेकर r तक, तो इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा w बराबर माइनस के 1/4πε0 q q0, x की घात -2+1 कितनी हो जाएगी, माइनस की 1 बचेगी, इसी प्रकार यहाँ पर भी माइनस के 1 बचेगी इनफिनिटी से लेकर r तक। यहाँ पर देखेंगे इस माइनस से ये प्लस हो जाएगा, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4πε0 q q0 q q0। अगर इस घात को नीचे ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 1/x लिख सकते हैं इसको। लिमिट कितनी है, इनफिनिटी से लेकर r तक। अगर हम इसमें लिमिट रखें, यानी कि x के स्थान पर एक बार तो r रखेंगे, एक बार इनफिनिटी रखेंगे, तो w बराबर हो जाएगा हमारा, w बराबर 1/4πε0
क्यू इंटू क्यू नॉट। सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, तो वन अपॉन आर, माइनस लेकर माइनस करके लिखेंगे लोअर लिमिट वन अपॉन इन्फिनिटी, तो इसका मान तो अनंत हो जाएगा, यानी कि इसको तो हम जीरो मान लेंगे, तो ये बचेगा हमारे पास, यानी कि डब्लू बराबर कितना बचेगा, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन आर बचेगा। अगर हम इस क्यू नॉट को इसके बट्टे में ले आएँ तो हमारे पास हो जाएगा ये डब्लू अपॉन क्यू नॉट इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट होता है, क्या होता है, V बराबर होता है W अपॉन क्यू नॉट, तो इसके स्थान पर हम V लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि V बराबर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यही हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव होगा, और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, क्या होता है, वोल्ट, या फिर जूल प्रति कूलम। क्लियर है।